19 अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहता हूं कि ये गुमराह करने के सिवा विभाग और कोई काम नहीं करती है। अगर लड़ाई जीतनी है तो अभी भी साथ आ जाओ। हम शुरू से ही कर रहे हैं अभिषेक भाई, मेरिट नॉट मेरिट नहीं करो और एकेडमिक मार्क्स का गेम नहीं खेलो, अभी भी साथ आ जाओ, अभी भी साथ आ जाओ और चल चले विभाग विभाग को घेर डाले, शिक्षा विभाग को घेरा जाए, शिक्षा विभाग में ताला जड़ा जाए, शिक्षा विभाग को बंद किया जाए। तब तक एसटीटी का जब तक इंसाफ नहीं कीजिएगा, शिक्षा विभाग को जब तक आप लोग घेरिएगा नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और कैसे कहा गया है कि एक कहावत है गांव का कि गांव घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे और जवार फूटे तो देश लूटे। इसी प्रकार से अगर हम लोग आपस में अगर फूटे हुए रहेंगे तो हम लोगों को सरकार और विभाग लूटते रहेगी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। कल तमाम छात्र संगठन हो या फिर एसटीईटी के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी हो पटना के सड़क पे थे। पटना BN कॉलेज से लेकर विधानसभा घेराव मार्च निकाला था तमाम अभ्यर्थियों ने। वहीं बता दें आपको कि एसटीईटी के क्वालिफाइड तमाम अभ्यर्थियों के साथ कुंदन भी थी, ये भी एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी। कुंदन, कल आप लोगों ने विधानसभा घेराव मार्च निकाला था, कल क्या कुछ हुआ और जिस तरीके से आपने एक वीडियो डाला था उसमें साफ साफ लिखा था डेलीगेशन टीम मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया है, क्या कुछ हुआ था बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है कि कल विधानसभा का घेराव था, मेरा BN कॉलेज से जो मार्च निकाला गया था वो विधानमंडल और विधानसभा को घेरना मेन मुख्य कार्यक्रम था हमारा। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग कारगिल चौक से आगे JP गोलंबर के बाद बढ़ने नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा, इतने टाइट प्रशासन, इतनी ज़्यादा। इसमें हमारे बहुत सारे समर्थक भी थे, साथ में ऐसा के भाई भी थे और बहुत सारे पार्टियां, जैसे कह सकते हैं कि राजद का और भाकपा माले का बहुत सारे विधायक भी थे। और हमारी डेलीगेशन जो टीम था विधायक के द्वारा, MLA के द्वारा गया था, हम भी बाहर मुख्यमंत्री के पास बैठे हुए थे, उसमें हमारी भी लेटर गया था, STET का मामला गया तो हुआ था, उसको बोला गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि इस पर हम संज्ञान लेंगे, सिर्फ बोला गया कि बहुत जल्द हम संज्ञान लेंगे, लेकिन कब तक लीजिएगा, ये हमारे पास रिसीविंग भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मंथ के बाद अगले मंथ में अच्छी खबर आएगी, आप लोग स्टेट अभ्यर्थी घबराए नहीं, सितंबर में कुछ अच्छा होने वाला है पूरे स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ, घबराए नहीं, लेकिन साथ साथ आप लोग रहें। कुंदन जी, मेरिट अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की तरफ से बुलाया गया है, क्या आप लोगों को भी बुलाया गया है क्या शिक्षा विभाग की तरफ से? शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे सर वो झूठ मूठ का वो चंगू मंगू है ना, ऐसा किसी को बुलाया नहीं गया है। उन लोग झूठ मूठ को बस अब अफवाहें फैलाता है। आप लोगों को नहीं बुलाया गया? नहीं नहीं, हम बहुत बार मिले हैं, एक बार नहीं बुलाया गया। नहीं, बुलाया नहीं गया था, लेकिन मिले हैं कई बार दीपक कुमार सर से। और मैं स्टेट 19 अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहता हूं कि ये गुमराह करने के सिवा विभाग और कोई काम नहीं करती है। अगर लड़ाई जीतनी है तो अभी भी साथ आ जाओ। हम शुरू से ही कर रहे हैं अभिषेक भाई, मेरिट नॉट मेरिट नहीं करो और एकेडमिक मार्क्स का गेम नहीं खेलो, अभी भी साथ आ जाओ और चल चले विभाग को घेर डाले, शिक्षा विभाग को घेरा जाए, शिक्षा विभाग में ताला जड़ा जाए, शिक्षा विभाग को बंद किया जाए। तब तक STET का जब तक इंसाफ नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग को हम बाहर नहीं आने देंगे। शिक्षा विभाग को जब तक आप लोग घेरिएगा नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। अकेले नहीं अभिषेक भाई, अकेले नहीं। कैसे कहा गया है कि एक कहावत है गांव का कि गांव घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे और जवार फूटे तो देश लूटे। इसी प्रकार से अगर हम लोग आपस में अगर फूटे हुए रहेंगे तो हम लोगों को सरकार और विभाग लूटते रहेगी। इसलिए अभी भी वक्त है कुंदन भाई और हमारे जो हमारी कोर टीम का बात मान ले कि साथ हो जाए, एक साथ अगर नहीं आइएगा तो सरकार और शिक्षा विभाग बस वैसे ही भाई। हम लोगों ने कितने पार्टियों से, कितने मंत्रियों से, अपने देखा होगा कल भी युवा हल्ला बोल के सारे राज्य से, 3-4 राज्य से आए हुए थे,
यूथ भवन जो फ्रेजर रोड में है वहाँ पे भी हम 10 बजे मीटिंग थी। नंदन जी, सवाल अंतिम रहेगा आपसे। लगातार आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग धरना स्थल पे, फिलहाल बारिश हो रही है, इसके चलते धरना प्रदर्शन बंद हुआ है या फिर आगे चल के फिर प्रदर्शन करेंगे या फिर अभी धरना प्रदर्शन आप लोगों का बंद रहेगा? सर, बारिश के चलते हमारा बंद नहीं हुआ है, हम अकेले छाता लेके निकल पड़ते हैं, आप देखते ही हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि कुछ दिन आप लोग धैर्य बना के रखिए, कुछ दिन आश्वासन जब मिला है मुख्यमंत्री के डेलीगेशन टीम के द्वारा जो गई थी एकदम, कल मेरी आर पार की लड़ाई थी, तो मुख्यमंत्री का भी जो आश्वासन जो मिला हुआ है, बहुत सारे गोपनीय हैं जो हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे, कि बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। और अगर इस बार नहीं मानेगी तो भाई मिल के लड़ाई लड़ना होगा और इस बार एकदम कूद पड़ना होगा भाई, मिल करके। अगर मिल के नहीं लड़ोगे तो बेमौत मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे, और इस बार आपको कोई नहीं बचाने वाला होगा, एसटीटी बर्बाद होकर रहेगा अगर अगर अभी भी साथ नहीं आया तो। सरकार का मनसा कुछ साफ नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है बहाली लेना, छठा चरण को सातवां चरण, सातवां चरण को छठा चरण, खाली बस हवाला देगी शिक्षा मंत्री गाय का सिंह भैंस में और भैंस का सिंह गाय में। तो आपने सुना है स्टेटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन थे, क्या कुछ करना था आपने सुना है। कल विधानसभा घेराव मार्च निकाला गया था बीएन कॉलेज से लेकर बिहार के विधानसभा घेराव करने निकले थे ये लोग, तमाम छात्र संगठन के साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से डेलीगेशन टीम भेजा गया और आश्वासन दिया गया कि आपकी बहाली जो है वो जल्द से जल्द कराई जाएगी। वहीं सितंबर महीने तक का उम्मीद इन लोगों को है कि जल्द से जल्द इनका सितंबर महीने तक शायद हो सके तो इनकी बहाली हो जाएगी, कुंदन का यह साफ कहना है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है और बहाली कब तक पूरी होती है। वहीं तमाम अभ्यर्थियों को एक साथ आने के लिए कहा है कुंदन ने। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।